तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे पढ़ा कि भाई कंडक्टर्स के अंदर जो वेव्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। कंडक्टर्स के अंदर बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, उसको स्किन डेप्थ बोलते हैं, कि उतनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट कर पाती है। और ये डिपेंड भी करती है स्किन डेप्थ ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, नॉट इवन ओनली कंडक्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के साथ फ्रिक्वेंसी ऑफ EMF एंड ऑल्सो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। स्किन डेप्थ हमने फाइंड करी थी, डेल्टा इज इक्वल टू 2 अपॉन μ σω√। ठीक है, तो मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी एंड ऑल्सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ EMF। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अनदर फिनोमिना विच इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ EMF इन ए कंडक्टर। डिस्पर्सन, आपने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है, आपने प्रिज्म के केस में डिस्पर्सन वर्ड सुना हुआ है एंड इट इज सेम फिनोमिना। लेकिन अभी हम डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स के अंदर, डिस्पर्सन ऑफ EM वेव्स इन कंडक्टर्स। अच्छा, पहले समझेंगे कि ये डिस्पर्सन होता क्या है। देखिए, मान लो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेव्स है। ग्रुप ऑफ वेव्स मतलब EM वेव्स कुछ इस तरह की हैं जिसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही है। मतलब मोनोक्रोमेटिक वेव नहीं है, सिंगल वेवलेंथ नहीं है, बट वी हैव ए ग्रुप ऑफ वेव्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स है उस केस में कुछ कंपोनेंट्स होंगे वेव्स के, अलग अलग वेवलेंथ होंगी उनकी, λ1, λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज ऑल्सो EM वेव। अब व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंथ होती हैं और हर किसी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कलर होता है। जैसे कि तुमने डिस्पर्सन अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर हम ऐसे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करें तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो 7 कलर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर नथिंग बट 7 वेवलेंथ्स ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। 7 वेवलेंथ्स को भी और आप लिखते हो, नीचे वायलेट कलर होता है, ऊपर रेड कलर होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी चीज को डिस्पर्सन बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल वेव्स हैं, इंडिविजुअल वेव्स की जो वेलोसिटी है इस मीडियम के अंदर, वेलोसिटी वो मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। इंडिविजुअल वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मतलब इस मीडियम की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मीडियम की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो म्यू इज फंक्शन ऑफ लैम्डा, ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर अलग अलग लैम्डा की वेव्स हम इस मीडियम के अंदर लेके जाएंगे तो वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगी। इस तरह के मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। डिस्पर्सिव मीडियम वो होता है जो हर किसी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट स्पीड बना दे वेव की, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्पर्सन होता है। जैसे ये प्रिज्म के अंदर डिस्पर्सन हो रहा है, यहाँ पे म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अगर हम वैसे कोशी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो लैम्डा के बढ़ने से म्यू कम हो जाता है। मतलब रेड कलर के लिए म्यू सबसे कम होता है, तो वो सबसे कम बेंड करता है, इसलिए रेड कलर सबसे ऊपर है, वायलेट कलर सबसे नीचे है। तो ये डिस्पर्सन होता है। अब हम कंडक्टर के केस में देखेंगे कि डिस्पर्सन किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो वी विल कंसिडर ए ग्रुप ऑफ वेव्स। उन वेव्स की एक अपनी वेलोसिटी होगी जिसको बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। तो हम ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले फाइंड करेंगे और फिर डिस्पर्सन को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स। इसको VG से डिनोट करेंगे, VG से। और एक वेलोसिटी होती है वेव वेलोसिटी, वो वेव वेलोसिटी यही है C। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो अगर किसी मीडियम में वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम है तो वो डिस्पर्सिव नहीं होगा, लेकिन अगर लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंस है तो वो डिस्पर्सिव होता है। आगे जाके अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो, हम स्टार्ट करेंगे यहां से। द वेव वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स इन ए मीडियम ऑफ परमेबिलिटी
म्यू परमिटिविटी एप्साइलॉन, ये हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं, इज उसको वी से डिनोट करेंगे। ये होती है वेव की, मोनोक्रोमेटिक वेव की वेलोसिटी, इसकी सिंगल वेवलेंथ है, उसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो वी इज इक्वल टू 1/√ म्यू एप्साइलॉन। इन वैक्यूम और फ्री स्पेस दिस वी इज सी, सी से डिनोट करते हैं 1/√ म्यू नॉट एप्साइलॉन नॉट। नाउ यूजिंग दिस डेफिनेशन, एप्साइलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहां पे हम म्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है म्यू एप्साइलॉन डिवाइड बाय म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट एप्साइलॉन नॉट। ये म्यू आर कैसे आया, ये म्यू जो है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बना सकते हैं, देखिए 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज सी स्क्वेयर, इसको हमने सी स्क्वेयर लिख दिया। सी स्क्वेयर के साथ ये जो 1/μ एप्सिलॉन है यहां से, दैट इज वी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर का फैक्टर आ गया और एक हमारे पास ये म्यू आर चल रहा है। ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी निकल जाता है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इस इक्वेशन को सेव कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से बना ही लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, एन इज रिटन एज सी बाय वी, तो मतलब यहां पे अगर मैं सी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर को अलग करूं तो स्क्वेयर करूंगा, अगर मैं एन स्क्वेयर कर दूंगा सी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर हो जाएगा। सी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर का फैक्टर म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर रहेगा, और सी बाय वी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो सी बाय वी विल बी एन, एन इज सी बाय वी। यहां पे अगर अंडर रूट ले लोगे एन बचेगा, इफेक्टिव इंडेक्स यहाँ सी बाय वी, और इधर बन जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी भी मीडियम की रिफेक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, तो यू कैन एक्सप्रेस लाइक दिस। नाउ कमिंग बैक टू दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं अभी, ठीक है? तो फोर कंडक्टर्स याद रखना, फोर कंडक्टर्स म्यू आर इज 1, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स और कंडक्टर्स म्यू आर इज 1। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। फॉर कंडक्टर्स वी कैन टेक म्यू आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, दीज आर एक्चुअली नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, और इसमें फिर हमारे पास एप्सिलॉन आर बनेगा सिंपली सी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, एंड यू विल गेट वी स्क्वेयर टाइम्स एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। नाउ हेयर फॉर डिस्पर्सिव मीडियम मैं कह रहा हूं आपको कि एप्सिलॉन आर, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी और स्पीड वी दोनों वेवलेंथ के फंक्शन होते हैं, ठीक है? तो फॉर ए डिस्पर्सिव मीडियम वी एंड एप्सिलॉन आर वेरी विद लैम्बडा ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, मतलब अलग अलग ईएम वेव्स हैं अगर डिफरेंट वेवलेंथ की, उनके लिए स्पीड भी डिफरेंट होगी और ये एप्सिलॉन आर का फैक्टर भी डिफरेंट होगा। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, वो इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ जब उसमें एंटर करती है मीडियम के अंदर तो अलग अलग तरीके से स्लो डाउन होती है, ठीक है? तो उस केस में फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। जब भी हमें ये पता हो फिजिकली कि दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन दीज पैरामीटर्स, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके वेरिएशंस फाइंड कर सकते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 V एप्सिलॉन आर एज इट इज dV/dλ, ये मैंने UV लगाना है, तो पहले मैंने वी स्क्वेयर को डिफरेंशिएट किया 2V dV/dλ एप्सिलॉन आर एज इट इज, प्लस नाउ वी स्क्वेयर विल बी एज इट इज एंड देयर विल बी डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन आर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, एंड ऑन राइट हैंड साइड दिस कांस्टेंट टर्म इट विल बी 0।
यहां से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा निकालेंगे। तो डीवी बाय डी लैम्डा विल बी माइनस वी स्क्वायर बाय वी, एक कट जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस वी बाय टू एप्सिलॉन आर डी एप्सिलॉन आर बाय डी लैम्डा, दिस इज डीवी बाय डी लैम्डा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स। नाउ एज इन द सब्जेक्ट ऑफ वेव्स यू हैव स्टडीड दैट द वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आर रिलेटेड, एज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव, ये किसी भी जनरल वेव के लिए है, इज रिलेटेड टू वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी एज, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन ऑलरेडी आपने वेव्स के सब्जेक्ट में पढ़ा है, वी माइनस लैम्डा डीवी बाय डी लैम्डा, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। हमने यहाँ पे डीवी बाय डी लैम्डा जो फाइंड किया उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ हमारे पास कंडक्टर्स के लिए वीजी विल बिकम वी प्लस लैम्डा, ऊपर एक आ गया मेरे पास लैम्डा, एक आ गया वी, नीचे टू एप्सिलॉन आर डीवी बाय डी लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन, इसमें से वी कॉमन ले लो आप, ग्रुप वेलोसिटी विल बिकम वन प्लस लैम्डा वी अपॉन टू एप्सिलॉन आर डीवी बाय डी लैम्डा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव, और यहां देखने से पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें वी जी वी से बड़ा होगा क्योंकि वन प्लस समथिंग हो रहा है और ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी से बड़ी होती है, उस तरह के डिस्पर्जन को बोलते हैं अनोमलस डिस्पर्जन। तो हेयर वीजी इज ग्रेटर देन वी, देयरफॉर डिस्पर्जन ऑफ ईएम वेव्स इज अनोमलस, अनोमलस डिस्पर्जन। अब यहां पे डिस्पर्जन को थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है बी जी इज इक्वल टू बी माइनस लैम्डा डीवी बाय डी लैम्डा। इसमें ये जो चीज है अगर जीरो हो जाए, जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इफ डजंट डिपेंड अपॉन लैम्डा ऑफ वेव, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती किसी मीडियम के अंदर बात हो रही है, अगर ये चीज जीरो हो जाए तो उस केस में वी जी वी के बराबर हो, मतलब ग्रुप वेलोसिटी, मतलब सारी की सारी वेव, जो ग्रुप ऑफ वेव्स हमने कंसिडर किया उन सब की वेलोसिटी वी ही रहेगी, तो सारी सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगी मीडियम के अंदर, इस कंडीशन को बोलते हैं नो डिस्पर्सन, अगर ऐसा हो जाए। बट कंडक्टर के अंदर जैसे हमने अभी देखा कि इफ वी डिफ्रेंशिएट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास था ना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वी स्क्वायर एप्सिलॉन आर, ये बिल्कुल कंडक्टर्स के लिए मैंने स्पीड जो है ईएम वेव्स की उठाई यहां पे, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट करके डीवी बाय डी लैम्डा निकाल के देखा कि क्या जीरो तो नहीं आ रहा, बट ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ गया तो वीजी में फिर इस टर्म को जब आप ऐड कर दोगे तो वीजी इज ग्रेटर देन वी, मतलब कंडक्टर्स के अंदर जब एक ईएम वेव जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वेव की वो बढ़ जाती है, मतलब एक्चुअल जो है बाहर है वो कम है, अंदर जाके बढ़ जाती है, वीजी इज ग्रेटर देन वी, कितनी अमाउंट से बढ़ती है दैट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन आर एंड लैम्डा, बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स। देखो ये एक्सप्रेशन है फाइनल एक्सप्रेशन, इसको भी आगे लिखते हैं फॉर कंडक्टर्स, कितनी अमाउंट से बढ़ती है वेलोसिटी, लैम्डा वी स्क्वेयर अपॉन टू एप्सिलॉन आर इंटू डीवी बाई डी लैम्डा, कि उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी चेंज हो रही है, तो सच काइंड ऑफ डिस्पर्सन इज कॉल्ड एनोमलस डिस्पर्सन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज कि जो स्किन डेप्थ है जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ डिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो मतलब वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, सीधी सीधी बात है। तो टू प्रूव स्किन डेप्थ ऑफ ईएम वेव इन ए कंडक्टर इज
लैम्डा डिपेंडेंट और कितनी होती है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सप्रेशन की निकलेगा यहाँ पे। देखो हमारे पास वेव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा को 2 बाई न्यू पुट किया जा सकता है और 1 बाय के प्रोपेगेशन कांस्टेंट डेल्टा होता है स्केल टाइम, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इक्वेशन 1 ठीक है। ऑल्सो फॉर ए वेव वेलोसिटी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ वेव इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहां पे हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से डेल्टा फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 2 पाई न्यू डेल्टा इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, डेल्टा इज लैम्डा बाय 2 पाई। स्किन डेप्थ को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस कर दिया। हियर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव इन ए कंडक्टर, वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव इनसाइड द कंडक्टर। अब यहां पे अगर आप 1 बाय 2 पाई के फैक्टर से लैम्डा को मल्टीप्लाई करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 15%। स्किन डेप्थ लैम्डा का 15% है, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो देयर फोर डेल्टा इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ लैम्डा इन ए कंडक्टिंग मीडियम। अब इसका मतलब है कि अलग अलग वेवलेंथ जो हैं, डिफरेंट वेवलेंथ, वो अलग अलग अमाउंट से पेनिट्रेट करेंगी। जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतनी स्किन डेप्थ ज्यादा होगी, उसका 15% होगा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है उसका 15% डेल्टा होगा। लैम्डा जितना ज्यादा है उतना ज्यादा स्किन डेप्थ होगी, ठीक है। तो ऑल्सो आई कैन राइट हेयर डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव इन द मीडियम। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्किन डेप्थ। सो स्किन डेप्थ इज ऑल्सो वेवलेंथ डिपेंडेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑल्सो वेवलेंथ डिपेंडेंट इन साइड द मीडियम। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ ईएम वेव्स इन ए कंडक्टिंग मीडियम।